ज़्यादा मर्दों के टूटते हैं, बाल सबसे ज़्यादा औरतों के टूटते हैं गंजा मर्द होने, वो सबसे पहले आपके बालों के ऊपर अटैक करती है। बालों के कौन से ऊपर? इस हिस्से के ऊपर, इस हिस्से के ऊपर। आपने देखा होगा गंजे लोग होते, इनके लिए किट बना करके इनको दिया, और आज इनके आपके सामने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम कहते हैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम आपके सामने प्रमाण खड़ा। 25 करोड़ रुपए बच गए। हाँ ये भाई 90 दिन पहले जब हमने इनका देखा था तो गिने चुने बाल थे इनके सर पे। अब सर इस बाल को हम उखाड़ के भी देखे क्या? ट्राई कीजिए। हम हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक रिसर्च के माध्यम से बने हुए प्रोडक्ट है, कोई जादूगर नहीं। साफ मना कर रहा हूँ कि यहाँ पे माथे पे बाल नहीं उगा सकता हूँ मैं, यहाँ पे बाल नहीं आए, आए भी नहीं, और मैंने पहले भी बोला था बाल वहाँ आएंगे जहाँ पे बाल होंगे। यहाँ पे देखिए आप कहाँ से उगाएंगे हम बाल, और दुनिया तो यहाँ पे बाल उगाने तक दावे कर दे रहे हैं। 90 दिन में बाल कैसे हो गए हैं? इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि एक दिन इनका मिस नहीं होने दिया। आपके सामने खड़े हैं, पूछ लीजिएगा एक बंदा इनके ऊपर रहता था जिनको प्रॉपर सारी चीजें मेंटेन कर। एक मंथ के 2,000 रुपए का खर्च मात्र आया है, यानी कि 90 दिन का 6,000 लेकर चलते 5 से 6,000 रुपए। तो भैया उतने के तो हमारे यहाँ बिहार में लोग गुटखा और जो है तंबाकू खाकर फेंक देते हैं। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। देखिए अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास है। अभी हमारे साथ रवि जी हैं और ये हमारे साथ TIG कंपनी के MD हैं। दरअसल बात यह है कि ये रवि जी को के सर पे 3 मंथ पहले मतलब 90 दिन पहले गिने चुने बाल बचे हुए थे, और ये TIG वाले जो है ये दावा कर रहे थे कि 90 दिन के अंदर इनके सर पे आप बाल ला देंगे, और यदि नहीं ला पाए तो आप 25 करोड़ की जो कंपनी है वो बंद कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपका 25 करोड़ रुपया दाव पे लगा था। अभी इनके सर पे 90 दिन बाद बाल आ चुके हैं, और आज बाल दिवस भी है। बाल दिवस के दिन इनके भरपूर बाल हैं सर पे। अब आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ इन 90 दिनों में, आखिर उन्होंने कौन सा आपको वो रामबाण दे दिया कि आपके सर पे नहीं आने वाल आ गए। सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपका। बताना चाहूँगा कि देखिए फॉर्मुलेशन इतनी अच्छी है इन लोगों की कि किसी भी तरह से ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई दिया है, ना किसी भी तरह से कोई वो दिखाई दिया है। जो नेचुरल तरीके से बाल आते हैं उस तरीके से बाल आया है। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो आपके सर पे गिने चुने बाल थे, मैंने भी देखा था 90 दिन पहले, आज 90 दिन बाद आपके सर पे जो है अच्छे खासे बाल आ गए हैं। बिल्कुल, बाल ठीक है और पहले से ज़्यादा है और मजबूत है और अच्छी मात्रा में भी है। फील कैसा कर रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, इन 90 दिनों के अंदर आपने क्या क्या किए जिसकी वजह से आपके सर पे बाल, इनके द्वारा प्रोडक्ट दिए गए थे, क्या क्या प्रोडक्ट थे, कैसे कैसे आपने इस्तेमाल किए, थोड़ा संक्षिप्त में आप दर्शकों को बताइए। प्रोडक्ट वगैरह नॉर्मल थे, जैसे शैम्पू हुआ, सीरम हुआ और कुछ टैबलेट्स वगैरह थी, बाकी कुछ ऐसा नहीं था जो कि आम आदमी कर नहीं सकता या आम आदमी उसे खर्चे में नहीं ले सकता। नॉर्मल चीज़ थी, सारी नॉर्मल चीज़ें थी और खर्चे में बजट में था, बजट में था। अच्छा, अब हमारे साथ जो मालिक हैं TIG के, उनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये कमाल किया कि सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके 25 करोड़ रुपये बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बचे हमारे पैसे, और एक उम्मीद जगी उन लोगों के अंदर कि जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी अब मेरे बाल वापस नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हम एक उम्मीद भी बन के उभरे। आज पूरे भारत से हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, जगह जगह से, कहाँ तमिलनाडु, आज तक हमारे पास इतने ऑर्डर नहीं आए थे जितने तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, हर जगह से आज हमारे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा कॉल आ रही हैं। बल्कि हमें एक जो आपस में बातचीत करने में भी थोड़ी सा हमारी टीम को इशू हो रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब अदर स्टेट से लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अच्छा, ये बात बताइए सर कि मतलब इनके सर पे तो अपने बाल ला लिए, आप कौन, कितने तरह के प्रोडक्ट आपके कंपनी में हैं, और मतलब इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। और जैसे कि इनका बाल उड़ा तो किसी और कारण से, हमारा बाल यदि उड़ेगा तो किसी और कारण से, क्या अलग अलग कारण होते हैं, थोड़ा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ निगम जी कि बाल अगर आपके सिर से बाल जा रहे हैं तो उसके अनेकों रीज़न हो सकते हैं। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, और अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मिनरल्स डेफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। पानी का खराब होना भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्लाइमेट कंडीशन भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अनेकों प्रकार के इसके रीज़न हो सकते हैं आपके बाल सिर से जाने के। आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी में तो बाल बहुत ज़्यादा जाते हैं, उस बीच में तो कोई भी रिकवर नहीं कर सकता है। और काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें बाल काफ़ी हद तक लोगों के जाते हैं,
तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मुलेशन है वो एक स्वस्थ आदमी के ऊपर काम करती है। सबसे पहले आप स्वस्थ होने चाहिए, आपको आपके जो बाल हैं वो किसी बीमारी की वजह से ना जा रहे हों, सबसे पहला रीज़न ये है। हमने ये देखा कि हमने इनसे पूछा कि हमने इनका पूरा कि भाई आपको किसी कोई जैसे कैंसर जैसी बीमारी है उसमें बाल वापस नहीं आ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा बालों को ही दिक्कत, पलके तक उड़ जाती हैं लोगों की, ये मूंछों सारे बाल चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती हैं। तो हमने इनसे जैसे इनसे पूछा कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, तो इन्होंने सब कुछ बताया। तो हमारी टीम ने इनके लिए किट डिज़ाइन की, वो किट हमने इनकी चलाई, वो जो कि हमने वीडियो के माध्यम से आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, हमने बनाई और दुनिया ने देखा भी उस चीज़ को, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया हम इस जर्नी को वॉच कर रहे हैं। तो ये हमने सब कुछ करते करते हमने इनके लिए एक महीने की किट दी, जिसमें क्या हुआ कि इनके जो बालों के जो DST ब्लॉकर हमने इनको दिया, आपको अलग क्या था उसमें DST ब्लॉकर था। DST ब्लॉकर क्या करता, जिसकी बॉडी के अंदर DST की मात्रा, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की मात्रा जिसकी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, वो सबसे पहले आपके बालों के ऊपर अटैक करती है। और बालों के कौन से ऊपर, इस हिस्से के ऊपर, इस हिस्से के ऊपर। आपने देखा होगा गंजे लोग होते तो यहाँ से होते हैं, इनके भी बाल यहीं से गए थे, जितने भी लोग आपने देखे गंजे यहाँ से होते हैं। ये सबसे जरूरी है कि जो DST ब्लॉकर वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में मिलके और आपके हेयर फोलिकल्स को श्रिंक कर देता है। जैसे ही हेयर फोलिकल्स श्रिंक होते हैं वो आपकी नसों से जुड़े होते हैं, आपके हेयर फोलिकल्स की जो जड़ें होती हैं वो आपकी नसों से, ब्लड वेसल से जुड़ी होती हैं। जैसे ही ब्लड वेसल से उनको जो उसमें से ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, आपके खून में DST की मात्रा बढ़ गई और वो जाके हेयर फोलिकल से चिपक गई। मतलब कहने का कि ये पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ की जड़ को अंदर अंदर कोई पोलोथीन श्रिंक कर दे तो क्या पेड़ बढ़ पाएगा? नहीं सर, नहीं ना, नहीं। यही सबको यही समझने की जरूरत है कि जब वो आपके DST क्या करता है, आपके बालों की जड़ों को श्रिंक कर देता है। जैसे ही श्रिंक हो गया तो उसको जो जो ब्लड वेसल से जो सब कुछ मिलना होता है वो बंद हो जाता है। अच्छा, यहाँ के बाल आपके पतले, इनके बाल पतले होने शुरू हुए। हमने सबसे पहले इनको DST ब्लॉक कर दिया खाने के लिए, जैसे इन्होंने खाया तो इनकी बॉडी के अंदर DST का जो बैलेंस था वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हुआ। ठीक है, फिर हमने हेयर रिवाइव प्रोसेस इनको दिया कि बालों को जो रिवाइव प्रोसेस है वो HRP हेयर रिवाइव प्रोसेस हमने इनको दिया, उसने भी इनको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो धीरे धीरे हमने किट तैयार की, पहले DST को मेंटेन किया, फिर HRP हेयर रिवाइव प्रोसेस दिया, ऐसे हमने सीरम भी दिया इनको, हमने इनको शैम्पू भी दिया, हमने इनको खाने के लिए बायोटिन भी दिया, क्योंकि बायोटिन एक नामक प्रोटीन ही होता है। ठीक है, तो बाल बना किस चीज़ से होता है, 95% अकेला बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। तो ये चीज़ें समझने की दुनिया नहीं समझती है, और उस केराटिन उस सोचते हैं कि केराटिन जो नामक प्रोटीन है वो दुनिया आजकल ऐसी ऐसी दुनिया में जादूगर आ गए हैं, उसको कह रहे हैं कि हम आपके तेल से ही उस केराटिन को बना देंगे। जो प्रोटीन बनता खाने से है उसको तेल से बना रहे हैं, कोई इसे गोली से बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। हमने जो अपनी किट तैयार की, इनके लिए किट बना करके इनको दिया, और आज इनके आपके सामने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम कहते हैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम आपके सामने प्रमाण खड़ा है, आपके सामने खड़ा है बंदा। देख लीजिए, आज तक इंडस्ट्री में निगम जी कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। वही तो, वही मैंने आपको इसलिए बधाई दी कि आपको आपके 25 करोड़ रुपए बच गए। हाँ। देखिए भाई, 90 दिन पहले जब हमने इनका देखा था तो गिने चुने बाल थे इनके सर पे। अब सर इस बाल को हम उखाड़ के भी देखे क्या? ट्राई कीजिए ना एक बार, देखिए ऑन कैमरा लाइव आपको दिखा रहे हैं कि इनके बाल यदि पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो मैंने कस के खींचा, मेरे हाथ पे एक भी बाल नहीं आया। आप देख सकते हैं जरा भी बाल नहीं आया। हमने खींचा इनके सर से बाल, देखिए मेरे हाथ में जरा भी बाल नहीं। बिल्कुल पास से दिखा दीजिएगा, एक भी बाल अगर हथेली पे हो देखिए। और अगर बाल टूटता भी है ना निगम जी, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 50 से 100 बाल नॉर्मली सबके टूटते हैं, वो दिखते नहीं है टूटते हुए। कभी एक दो बिस्तर पे आ गया तो नहाते टाइम आ गया, चलते टाइम आ गया। जीवन चक्र हमारे बालों का होता है, जैसे कि इंसान का जीवन चक्र होता है, ऐसे ही हमारे बाल का भी एक जीवन चक्र होता है। लगभग वो 6 साल से 8 साल तक एक हमारा बाल हमारे सिर में जिंदा रहता है। अच्छा। और हर मैं लगभग बात करता हूँ, मैं हर महीने वो लगभग आधा इंच बढ़ता है। जी हाँ। एक साल में लगभग 6 इंच तक एक बाल अपनी ग्रोथ लेता है। तो बहुत सारे जादूगर तो ऐसे, उनको यही नहीं पता कि बाल बढ़ता कितना है। एक महीने में ऐसी ऐसी ग्रोथ दिखा देते हैं कि देखिए ये बाल एक महीने में यहाँ तक आ गए, तो बाल आ ही नहीं सकता। उन लोगों को इसके बारे में R&D नहीं है, स्टडी नहीं है। हमारे पास पूरी प्रॉपर रिसर्च की टीम है, R&D की टीम है। हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हम उसके R&D और रिसर्च के माध्यम से ही प्रोसेस जब उसका पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको मार्केट में उतारते हैं। अच्छा सर, आपने इतने सारे रिसर्च कराए, आपने एक हेयर ऑयल की कंपनी भी चला रहे हैं, एक मुख्य सवाल ये रहेगा कि महिला लोग जो है उनका बाल क्यों नहीं उड़ता, वे लोग गंजे क्यों नहीं होते, या कि अक्सर जो है मर्द ही क्यों गंजे हो जाते हैं। सवाल बहुत गजब है, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ कि बाल सबसे ज्यादा मर्दों के टूटते हैं, बाल सबसे ज्यादा औरतों के टूटते हैं, गंजा मर्द होता है। अच्छा, ज्यादा औरतों के बाल टूटते हैं और गंजा मर्द होता है। ये समझने का विषय है, ये एक साइंस का विषय है, ये लोगों को समझना चाहिए। देखिए महिलाओं में जो DST, मैंने अभी भी आपको वीडियो में बताया कि DST
डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर नहीं ब्लड ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही वो होती है, ठीक है। जैसे उनका हर महीने जो ब्लड मंथली जो साइकिल होता है लेडीज का जो साइकिल होता है उसके अकॉर्डिंग उनका वो जो डीएसटी होता है वो रिलीज हो जाता है। अच्छा हाँ, आप देखिएगा जिस लेडीज की अगर जो मंथली साइकिल है उसमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। आप किसी लेडीज से पूछ लीजिएगा, 2 महीने अगर उसको हो गए तो बाल पतले होने, कमजोर होने, बाल टूटने, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत है। लेडीज में ज्यादा डीएसटी होता है, अगर वो रिलीज नहीं हो तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट उनके बालों के ऊपर सबसे पहले देखने को पड़ता है। चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, सिर के बाल उड़ने लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें लेडीज के अंदर होती है। तो ये समझना चाहिए हमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो एक रिसर्च के माध्यम से बने हुए प्रोडक्ट है, कोई जादूगर नहीं है। अच्छा सर, एक बात और बताइएगा कि मतलब आपके जो TIG दवा है, ये जो आपके दवा नहीं कि उसको प्रोडक्ट कह सकते हैं, तो क्या ये मतलब जिनका पूरा का पूरा बाल सर से उड़ गया है, मतलब बिल्कुल चिकना है बाल, जरा भी बाल नहीं है, क्या वैसे लोगों पे भी इसका इफेक्ट हो पाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कहा था, मेरी वीडियो में देखिए। अच्छा, क्या केवल आपके प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं? देखिए, मैं कहता हूँ मेरा प्रोडक्ट काम नहीं करता है, और मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास दुनिया की टॉपेस्ट, मैं कह रहा हूँ टॉप लेवल की फॉर्मुलेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की बुरी है, लेकिन हमारे पास भी बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है, हाँ टॉपेस्ट है। तो उसमें जब बाल नहीं आ पा रहा, मैं साफ मना कर रहा हूँ कि यहाँ पे माथे पे बाल नहीं उगा सकता हूँ मैं, यहाँ पे बाल नहीं आए, आए भी नहीं, और मैंने पहले भी बोला था बाल वहाँ आएंगे जहाँ पे बाल होंगे। यहाँ पे देखिए आप कहाँ से उगाएंगे हम बाल, और दुनिया तो यहाँ पे बाल उगाने तक के दावे कर दे रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि गंजे सिर पे बाल नहीं आएगा, आप कितना भी जोर लगा लीजिएगा, वहाँ पे जाके एक हद तक तो ट्रांसप्लांट भी वहाँ पे सक्सेस नहीं है। डॉक्टर ट्रांसप्लांट वाले अगर सही डॉक्टर होंगे तो आपको वो भी मना कर देंगे, यहाँ पे तो ट्रांसप्लांट, अगर आपके बाल ये पूरा पूरा स्कल्प खाली हो गया है, बिल्कुल प्लेन हो गया है, ये ट्रांसप्लांट भी सक्सेस नहीं है किसी हद तक तो। अच्छा नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई हमने तो आपके प्रोडक्ट्स लिए और मेरे बाल नहीं आए, तो जो गंजे लोग हैं जिनके सर पे जरा भी बाल नहीं है उनके लिए मतलब ये सक्सेसफुल नहीं है। मेरी वीडियो में आप जाके देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लगभग 80 से 85 के बीच में हमारा परसेंट रेशियो है। अच्छा, 80 से 85, 80 से 85% हमारा पॉजिटिव रेशियो है, 10-15 से 20% तक हमारा थोड़ा सा नेगेटिव रेशियो। देखिए आप, मैं आपको समझाता हूँ उसका रीज़न क्या हो सकता है। उसका रीज़न हो सकता है कि भाई अगर आपकी ज़िंदगी से कोई इंसान चला गया, स्ट्रेस में आपके बाल टूट रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेस को कैसे दूर कर दूँ, आपको कोई भारी नुकसान हुआ फाइनेंस में, मैं इसको पूरा कैसे कर सकता हूँ। सही बात, आपको किसी टेंशन की वजह से बाल टूट रहे हैं तो वो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, आप खुद उसका कारण है, तो वो उसका मैं सोल्यूशन कैसे दे सकता हूँ। अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मिनरल, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है, हम पूरी कर सकते हैं और आपके बाल टूटना रोक सकते हैं। इसीलिए हमारा ये 80 से 85 ही चलता है, हमेशा ऐसा ही चलता है, और हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है। दूसरी बात, क्या आपने प्रोडक्ट हमारा खरीदा, आप अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि कुछ समय पर यूज़ नहीं करें, 90 दिन में बाल कैसे हो गए हैं? इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मैंने एक दिन इनका मिस नहीं होने दिया। आपके सामने खड़े हैं, पूछ लीजिएगा, एक बंदा इनके ऊपर रहता था जिनको प्रॉपर सारी चीज़ें मेंटेन करवाता था, मैं उनको बताता था, मैं उनको गाइड करता था, और वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करते थे। इन्होंने भी काफ़ी साथ दिया है और हमने भी, हमारे प्रोडक्ट ने भी काफ़ी हेल्प किया, इसलिए 90 दिन में। वरना अगर ये अपने तरीके से अपना ट्रीट करते तो मैं लगभग 6 महीने तक इनको भी लग सकते थे, 5 से 6 महीने जा सकते। मतलब जो काम 3 महीने में हुए उसके लिए कंटिन्यूटी जरूरी, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल और रहेगा कि जैसे खास करके बिहार के जो लोग होते हैं उनका जो है थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा ये करते हैं कि कॉस्ट कितना या फिर खर्च कितना आएगा, तो जिनके सर पे बाल नहीं हैं, गिने चुने बाल बचे हैं जैसे कि इनका था, तो ये सर पे बाल लाने के और बाल के वजह से जो सुंदरता जो है उसका थोड़ा ये हो रहा था, तो उस बाल की वजह से सुंदरता बढ़ाने के क्या खर्च आते हैं? लगभग अगर मैं बाल बात करता हूँ कि अगर आपकी ग्रोथ पॉसिबल है और आपको ग्रोथ लेनी है हमारे प्रोडक्ट से, तो लगभग इनका कितना खर्चा है, 5 से 6 हज़ार रुपये, मात्र 5 से 6 हज़ार, पूरे 3 महीने का, 3 महीने का 5 से 6 हज़ार, लगभग 1 महीने का 2 हज़ार रुपये। अच्छा, 1 हज़ार, हाँ देखिए 1 मंथ के 2 हज़ार रुपये का खर्च मात्र आया है, यानी कि 90 दिन का 6 हज़ार लेकर चलते हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये। तो भैया उतने के तो हमारे यहाँ बिहार में लोग गुटखा और जो है तंबाकू खाकर फेंक देते हैं, तो फिर तो उसको थोड़ा सा ये करके आप अपने जो है सुंदरता पे काम लाइए, और गुटखा और कैनी वगैरह खाने से आपका सुंदरता भंग होता है, और इनका प्रोडक्ट यूज करने से आपके सुंदरता जो है वो बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, मतलब 5 से 6 हज़ार 3 मंथ के, मतलब बड़ा ही मिनिमम प्राइस। अगर मैं टोटल भी बात करूँ, किसी का 6 महीने भी कोर्स जाता तो 10 से 12 हज़ार रुपये। जी, 6 महीने तक भी अगर आपका कोर्स चला जाता है किसी कंडीशन में, तो उसके भी 10 से 12 हज़ार रुपये, मात्र 10 से 12 हज़ार। इतने के तो 6 महीने में बिहार लोग बताए कि वो लोग क्या करके फेंक देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके भी सर से गए हुए बाल वापस आ जाएं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जो
बाल के वजह से आप जो बदसूरत दिख रहे हैं और सुंदर दिखें, तो आप TIG का प्रोडक्ट यूज कीजिए। इन्होंने जो दावे किए हैं उस पर खड़े उतरेंगे। बाकी अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।